चैनल लाइफ लाइव विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखो ना, मुझे पसीना आ रहा है और मैंने ना फ़ैन नहीं चलाया, क्योंकि फिर मैं अगर फ़ैन चलाती तो थोड़ा डिस्टरबेंस होता, तो आप लोगों को अच्छे से मेरा ब्लॉग देखने में भी मज़ा नहीं आता। और एसी यार अभी हम लोग अवॉइड कर रहे हैं इस बीमारी की वजह से। तो मैं ना आज आप लोग के साथ अपना बेडरूम शेयर करूँगी कि मेरा बेडरूम कैसा है और मैंने अपने बेडरूम का जो मेकओवर है वो कैसे किया हुआ है। वैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं अपने घर का भी होम टूर करवाऊँगी, लेकिन अब वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ अपने बेडरूम को ही दिखा दूँ, बेडरूम ही शेयर कर दूँ और मैं दिखाऊँ कि मैंने कैसे उसका मेकओवर किया। और फ्रेंड्स, वैसे तो आप लोगों ने देखा ही है मेरा बेडरूम, मेरी जो मोस्टली वीडियो है मैं उसकी स्टार्टिंग यही इसी बेडरूम से ही करती हूँ अपने, लेकिन मैंने सोचा कि मैं ना आज आपको बहुत अच्छे से दिखाऊँ कि मैंने कैसे कैसे उसको अच्छे से सजाया हुआ है अपने बेडरूम को। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है हमारा बेड, ये और इसी के बराबर में है जो मेरी ड्रेसिंग है, वो ड्रेसिंग टेबल ये, और जो हमारे रूम का जो कलर है ना वो आप देख रहे हो पिंक और ये क्रीम कलर का है। और वैसे ही हमने ना देखो ये वाले कर्टन्स भी लगवाए हुए हैं सेम कलर के, पिंक और क्रीम। तो ये और सामने वाली जो वॉल है ना उस पर हम लोगों ने टेक्सचर करवाया हुआ ये वाला पिंक कलर का। और ये देखो जो इस वॉल पे हमने अपनी फ़ोटो लगाई है वो है हमारी शादी की फ़ोटो। ये देखो ये पूरी अगर आपको दिख रही हो ये रही, ये देखिए ये हमारी शादी की फ़ोटो है। वैसे तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी शादी की एल्बम भी शेयर की है तो आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन मैं ये वाली फ़ोटो और दिखा देती हूँ। और इस बेडरूम में जो ये बेड है ना इसके ऊपर ये जो हमने रखा हुआ है ना हार्ट वाला प्लो जो रखा हुआ है ये वाला, ये देखो। तो ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मेरी ना इंगेजमेंट पे गिफ्ट किया था मुझे, तो मैं इसको ना यहीं रखती हूँ, मुझे अच्छा बहुत लगता है ये यहाँ पे। मतलब ऐसा लगता है जैसे बेडरूम में ना इस बेड के ऊपर रखने से ना बेड और सुंदर लगता है। और देखो ये वाली जो हमारी पिक्स है ना, ये वाली, ये वाली, ये जो हमारी हैं दोनों, ये मेरी मतलब हमारी रोके की पिक्स है जब मेरा रोका हुआ था, और ये मेरी शादी से पहले की है और ये मेरे हस्बैंड की भी शादी से पहले की है। और इस पे रखा हुआ ये मैंने छोटा सा टैडी, अभी मैं इसके बारे में भी बताऊंगी। तो ये तो है हमारी सामने की वॉल। और अब ये देखो ये जो इधर वाली वॉल है, ये वाली मैं इसको पूरा दिखाती हूँ, कभी आपने ना मेरे ब्लॉग में देखा तो होगा लेकिन ये ना थोड़ा थोड़ा दिखाऊँ ये वाली। और ये जो मैंने वॉल स्टिकर है ना ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मुझे अच्छा लगा और हमारे ना रूम से भी मैच करता है ये, क्योंकि हमारे रूम का कलर है क्रीम और पिंक, तो सेम कलर का था तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया और यहाँ पे इसको लगा दिया। तो जो हमारा रूम है ना वो और सुंदर लगता है इसकी वजह से। और देखो इसमें ना ये जहाँ मैंने ये फ़ोटो लगा रखे हैं यहाँ इसमें फ़ोटो फ्रेम की ही जगह थी, तो देखो मैंने ना ये वाली फ़ोटो जो आपको दिख रही हो ये वाली फ़ोटो, ये हम लोग ना लास्ट ईयर मतलब कोरोना टाइम से पहले हम लोग गए थे पटनी टॉप, ये वहाँ की फ़ोटो है। और देखो चारों तरफ ना दिसंबर में गए थे हम लोग, तो बर्फ़ ही बर्फ है ये। और ये वाली भी हमारी, ये देखो ये भी हमारी ना पटनी टॉप की है फ़ोटो। और इसी के ऊपर हमने लगा रखा है अपना एसी, ये देखिए। तो ये वाली हमारी जो वॉल है वो कुछ इस तरह की है। और देखो ये जो हमारी वॉल है इस पर मैंने ये अपना ये तो मैंने अभी ऑर्डर किया था फैब में जब हमारी एनिवर्सरी थी तब, ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किए थे ये सारे। ये मतलब मुझे तो कोलाज जैसा लग रहा था, ये कोलाज टाइप मंगा रही हूँ मैं कोई, लेकिन ना ये सारे अलग अलग फ़ोटो फ्रेम है, 7 फ़ोटो फ्रेम है ये, और फ़ोटो मैंने अलग से बनवाए थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखो पास से ये कुछ इस तरह का है ये देखो। और इसके ऊपर जो हमने फ़ोटो लगा रखी है ये देखो, ये कश्मीरी स्टाइल में
ये हमारी कश्मीर की है, ये देखो, और एक ये वाली, ये मेरे और मेरे हस्बैंड की, दोनों की साथ में है, ये देखिए। तो ये वाली, इस वॉल पे हमने ऐसा कुछ किया हुआ नहीं है, बस फोटो फ्रेम ही। हमारा ना मन था कि हम इस वॉल पे पूरा अपने फोटोज ही लगाएंगे, लेकिन अब हमें न्यू घर में शिफ्ट होना है, तो मैंने ना ज़्यादा, मैंने कहा इसको तो हमें रेंट पे ही देना है इस घर को, तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं अभी इसमें। तो ये ऐसे है ये वाली वॉल। देखो ये वाली जो पिक्स है, ये मेरी भाई की जब इंगेजमेंट हुई थी ये तब की है, और ये वाली जब मेरे भाई की सगाई थी, मतलब सगाई नहीं, सॉरी, जो लगन रिश्ता होता है वो, ये तब की पिक है, तब मैंने साड़ी पहनी थी ये वाली। और ये वाली जो है, ये मेरे भाई की शादी की है, ये देखो। और ये मेरा लाचा था, पैरट ग्रीन, और इसका दुपट्टा था पिंक कलर का ये। और इधर वाली जो है, ये हम मतलब मेरे हस्बैंड का और मेरी जो भाभी है उनका बर्थडे सेम डे पे ही होता है, 6 जनवरी को, तो ये हम लोग तब मैकडी गए थे, तो ये तब की पिक है इसी साल की। और ये वाली जो पिक है, ये मेरी मतलब कज़न, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनकी इंगेजमेंट की पिक है, ये देखो। और ये मेरा ना इंगेजमेंट, मेरी अपनी इंगेजमेंट का लाचा है ये वाला। और ये हम लोग फैब में, इसी फैब में हम लोग गए थे नैनीताल, ये वहाँ की पिक्स है, ये देखो। और ये भी नैनीताल की है। तो ये ओवरऑल जो हमारा कोलाज है, ये ऐसे है, ये देखो। और देखो इस वाली जो वॉल है, मतलब जब छोटा रूम है हमारा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको किया हुआ है, तो हमने इधर अपनी एलईडी लगाई हुई है। और अभी आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखो, ये वाला, ये फोटो फ्रेम, ये देखो, ये पूरा ना काफ़ी बहुत बड़ा फोटो फ्रेम है, ये देखो। ये वाला फोटो फ्रेम ना हमने अभी बनवाया है, तो हम सोचते पहले ना इसको वॉल पे लगाएंगे, लेकिन फिर वही है कि यार हमें नए घर में भी शिफ्ट होना, तो हमने कहा क्यों पहले यहाँ इस दीवार पे लगवाएं फिर वहाँ। तो मैंने ना इसको यहीं रख दिया अभी फिलहाल के लिए, कि चलो यहाँ रख देते हैं। और ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये हम लोग रामनगर गए थे, मेरी जो मौसी सास है उनकी 25th एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने रिजॉर्ट में जाके वहाँ सेलिब्रेट की थी, तो ये वहीं की फ़ोटो है ये वाली, ये देखो। और अब मैं ना आपको, ये जो मैंने आपको ये टैडी दिखाया था ना, ये टैडी, और ये देखो ये छोटा सा पप्पी। अब मैं इसकी स्टोरी बताती हूँ। और देखो ड्रेसिंग टेबल पे भी ना ये मंकी है, ये ना मैंने, ये वाला जो मंकी है, ये यहाँ पे अभी 3 ही हैं, ये देखो कैसा लग रहा है बताना, ये रहा, ये देखो। और फ्रेंड्स ये जो टैडी और पपी है ना, ये मैंने खुद से बनाए हैं, ये मतलब मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं, और बाकी मेरे मायके में रखे हुए हैं, यहाँ मैं 3 ही लेके आई थी बस। तो मतलब क्या था, मेरे को ना जैसे समर वेकेशन होती थी, तो मुझे ना कुछ सीखने का बहुत शौक था, कि यार इस छुट्टियों में कुछ और कुछ सीखेंगे, इस छुट्टियों में कुछ और, मतलब नई नई एक्टिविटी करने का बड़ा शौक था मुझे। तो मैंने जब मेरी एक बार समर वेकेशन हुई, तो मैंने ये टैडी का कोर्स किया था, तो बहुत सारे टैडी बनाए थे, मतलब कुछ घर पे रखे हुए हैं मेरे मायके में, तो ये मैं 3 यहाँ ले आई, मुझे अच्छे लगे, तो ये मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और मैंने ना बच्चों को सिखाए भी थे कुछ टाइम, जो मतलब मेरे से सीखने आते थे बच्चे, उनको भी सिखाया था मैंने ये टैडी बनाना, तो ये मैंने ना खुद से बनाया। तो आप लोग फ्रेंड्स बताना कि जो मेरा जो रूम है, छोटा सा बेडरूम, आपको कैसा लगा, और जो सारी पेट्स हैं और जो टैडी वगैरह हैं वो कैसे लगे, और मतलब मैंने कैसे अपने छोटे से रूम को अच्छे से सजाया हुआ है, उसका मेकओवर किया हुआ है, तो आप लोग सब ये बताना। फिर किसी दिन ना मैं आपको अपनी ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी, कि मैंने उसको कैसे
कैसे लगाया हुआ है और सारे सामानों को कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। मैंने ना खुद से, मतलब मुझे बड़ा शौक है यार कि छोटी छोटी चीज़ों को ना मतलब बनाने का, जैसे वेस्ट चीज़ होती है ना उसको मतलब उसका यूज़ करने का। तो मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में छोटी छोटी चीज़ें बना रखी जिसमें हम लिपस्टिक, नेल पेंट वगैरह रख सकते हैं। तो वो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना पूरा ड्रेसिंग टेबल कि मैंने कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसको। मैंने बैंगल बॉक्सेस बनाए थे जो शूज़ के डब्बे होते हैं ना उनसे, तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँगी। तो आप लोग बताना फ्रेंड्स तो कि कैसा लगा मेरा बेडरूम। मैंने कहा भाई अभी होम टूर तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो चलिए आप लोगों के साथ अपना बेडरूम ही शेयर करते हैं।